अरे वो टाइगर है, वो बाइक करो बाइक करो, टाइगर है अरे बाइक करो ना। सो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। इस व्लॉग के अंदर आप देख रहे होगे सफारी करने हम आ गए हैं, हमारे यहाँ एक्चुअली पीलीभीत में, और आज हम यहाँ पे टाइगर स्पॉट करने वाले हैं। गेट नंबर एक है, ये महोफ रेंज पड़ता है और इसमें आधा जंगल पीलीभीत का पड़ता है और आधा जंगल पड़ता है उत्तराखंड का। तो सुनने में आया यार कि आजकल जो है टाइगर स्पॉट हो रहा है, कल भी टाइगर स्पॉट हुआ था और हमने यहाँ पर सफारी बुक कर ली है जो कि लगभग हमें 3800 रुपये की पड़ी है विद गाइड और विद पूरे चार्जेस। और समय का ना वेस्ट करते हुए फटाफट से अंदर चलते हैं। और सबसे बढ़िया बात बता दूँ कि हमारे साथ जो गाइड है वो बहुत एक्सपीरियंस है और अच्छे से हमें गाइड करेंगे। और बाकी देखने को मिलता, देखते हैं हम आगे हमें क्या मिलता है और फटाफट से चलते हैं। तो गाइस हमने जो है एक नंबर गेट से एंट्री कर ली है और एक नंबर गेट से एंट्री करने के बाद हम सीधा पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एंट्री कर जाते हैं। हमारा आज फोकस रहने वाला है कि हम टाइगर को स्पॉट कर जाएँ। और टाइगर के जो स्पॉट करने के तरीके होते हैं वो ये होता है कि हम टाइगर के जो है पग मार्क हो गए, डियर्स की कॉल हो गई, इन पर हम अलर्ट रहेंगे और देखते हैं कि हमें ऐसा कुछ मिलता है। तो टाइगर के साथ साथ जो है हम और भी अदर एनिमल को देखने की कोशिश करने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ जो गाइड है काफ़ी एक्सपीरियंस है, आइए चलते हैं इन सब बात करते हैं। तो भैया बताइए कुछ यहाँ के जंगल के बारे में आप। ये सर पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 से बन अनरक्षित। ओके जी सर, इससे पहले सर जो 1989 में यहाँ पे इलीगल था, यहाँ पे कोई शिकार करता था, लकड़ी काट ले जाते थे सर। अच्छा हाँ, चोरियाँ भी, डकैत चोर लोग भी यहाँ पे रहते थे, डकैत लोग भी रहते थे जी। अच्छा। अब ऐसा कुछ नहीं होता है सर, अब प्रतिबंधित हो गया है। अच्छा जी, अब ना लकड़ी कटाव होता नहीं कुछ। यहाँ बाचर लोग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक बस टावर बना होता है सर, वहाँ बस टावर पे बाचर लोग गश्त करते हैं, फुल नाइट ड्यूटी करते हैं सर, 6 बजे से लेके शाम से 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी, कोई लकड़ी ना काटे, कोई शिकार ना करे सर। अच्छा जी बिल्कुल। वैसे लकड़ी कौन कौन सी होती है यहाँ पे सर? ये पेड़ दिख रहे हैं सर, ये सॉल के पेड़ हैं। सॉल के पेड़ जी, ये सीधे सीधे पेड़ दिख रहे हैं। अच्छा, ये सॉल के पेड़ हैं, इनकी सर एज 300 वर्ष होती है सर, 1 साल कटा, 1 साल जड़ा और 1 साल खड़ा। अच्छा जी, 300 वर्ष होती है सर। और 20% सभी पेड़ होते हैं, जैसे सर आम है, आमला है, अरवहरा है, जामुन है, लिपस्टिक है, अच्छा साबुन है, ये 20% में सभी आते हैं, 80% है सर। अब ये पीलीभीत का जो टाइगर रिजर्व है स्टार्टिंग कब हुआ था सर? 2014 से है सर। 2014 से हुआ है। अच्छा। जैसे वैन से ले जाते हैं। हाँ, और इसमें लगभग जब ये स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पे टाइगर कितने थे? यहाँ पे सर 20+ थे। 20+ टाइगर थे। तही फिर सर, और आज कितने टाइगर हैं यहाँ पे? यहाँ टाइगर की काउंटिंग हुई तो दुगनी होने के कारण में सर डीएफओ साहब को TS2 अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा, दुगनी संख्या होने के कारण सर। अभी फिलहाल और आज 2024 चल रहा है, अभी इसकी क्या मतलब 71+ में है सर? 71+ टाइगर है यहाँ पे। बिल्कुल सर, 71+ में है सर यहाँ पे। और टाइगर की सर एज 15 से 16 होती है सर। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है जिसे बाघ कहते हैं सर हम जी, इससे अलावा कोई चीता भीता नहीं है सर यहाँ पे। अच्छा जी, और ये सर दिख रहा है, ये इसे टर्माइट हाउस कहते हैं, दीमक का घर, इसमें दीमक की फैमिली रहती है सर। अच्छा, अच्छा जी, ये भालू इसे बहुत ही शौक जिससे खाता है सर, इसे एक तरफ से एक छेद करेगा, तोड़ेगा और उसमें मुँह डालकर तेजी से सांस लेता है सर। अच्छा, ये सब दीमक भालू ही खा जाता है। भालू खा जाते हैं जी। अच्छा, भालू खा जाता, अब भालू को टाइगर खाता है सर। अच्छा, टाइगर को पक्षी खाते हैं सर, इसी हिसाब से एक फूड चेन बना हुआ है हमारा। अच्छा जी, टाइगर को पक्षी कैसे खाते हैं? पक्षी ऐसे खाते हैं जैसे उनकी सर डेट हो जाती है, जो मिल जाते तो उन्हें दफना देते हैं पीलीभीत टाइगर जो अधिकारी लोग हैं, और जो अंदर पड़े हैं तो उन्हें पक्षी ही खाते हैं सर, ऐसा है। सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है सर यहाँ पे। और टाइगर डियर खाता है। अच्छा जी, तो भालू है यहाँ पे? भालू भी है सर, 90+ में यहाँ पे, मगर जब बारिश होती है अधिक भालू तभी दिखते हैं सर। अच्छा, बारिश में ज़्यादा जी है। ये सर बिल्कुल वाटर प्रूफ का होता है सर, ये टर्माइट हाउस वाटर प्रूफ का होता है, जितनी भी बारिश हो ये गलेगा नहीं सर। अच्छा, और इससे ये महसूस होता है कि जहाँ जिस जंगल में अगर ये पाए जाते हैं सर, इससे ये महसूस होता है कि हमारा जंगल हरा भरा है सर। अच्छा जी, ये सर सुरई रेंज के लिए रास्ता गया है उत्तराखंड के जंगल के लिए सर। यहाँ से उत्तराखंड के जंगल, इधर से हमारा दुधवा से कनेक्ट है, इधर उत्तराखंड के जंगल से हमारा जंगल कनेक्ट है। अच्छा अच्छा जी, दुधवा से सर, दुधवा हमारा बीच में जंगल है सर। बिल्कुल। अच्छा, वो यहाँ से कितना पड़ता है क्या दुधवा? हाँ जी, 125 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से सर। 125 किलोमीटर है जी। और यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ पे डियर है, स्लाउथ डियर है सर। अच्छा, हॉग डियर, डियर 5 प्रजाति की हैं सर। 5 प्रकार के डियर पाए जाते हैं, कौन कौन से? हॉग डियर होती है, सांवर डियर होती है, 12 सिंगा होते हैं। अच्छा। कांकर डियर है, स्पॉटेड डियर है सर। स्पॉटेड डियर जी। अच्छा अच्छा, और टाइगर रिजर्व में सर 5 रेंज है सर। ओके, मोहप है, माला है, बरहाई है, हरदोई है, द्यूरी है,
और जिसमें घूमने का टूरिज्म एरिया दो ही रेंजों को दिया गया है सर। कौन कौन से? और सुरई रेंज है और मोहब रेंज है सर। हमने मोहब रेंज से एंट्री की, अब सुरई रेंज में जाएंगे सर। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। टोटल कितने किलोमीटर का होता है? टोटल होता है सर 65 किलोमीटर हो जाता है अंदर अंदर का। 65 किलोमीटर। अभी हम यहाँ से कितना किलोमीटर अंदर तक जाएंगे? यहाँ से जाएंगे लगभग सर 35 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे सर। 35 किलोमीटर अंदर जाएंगे, 35 किलोमीटर फिर वापस आएंगे सर। अच्छा, इसमें दो जोन होते हैं, एक तो कोर जोन होता है, एक बफर होता है। बफर होता है। ये कौन सा जोन में हम कर रहे हैं? ये अभी तो बफर है, कोर जोन आगे पड़ेगा सर। अब देखते हैं कोशिश करके सर, टाइगर का मूवमेंट्स देखते हैं। ओके ओके, बिल्कुल सर। कुछ होता है तो बताना हमें आप। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एलिफेंट्स भी हैं क्या? एलिफेंट्स नहीं है, ये पालतू हैं सर। यहाँ टाइगर पकड़ने के लिए लेके आए हैं। अच्छा, बाहर निकल जाते हैं, आतंकखोर हो जाते हैं, उन्हीं के लिए। अभी परसों निकल गया था, एक को किल कर दिया था, उसे पकड़ा नशीली गोली मार के सर। क्या हुआ? नशीली गोली मारते हैं हाथी पे बैठ के सर। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों किया गया? जी, जो वो बाहर निकल गया था आतंकखोर, किल कर देता है बाहर। अच्छा, किल कर देता है। यहाँ पे टाइगर ऐसा हुआ जो किल कर देता है? जी। अच्छा, कितने लगभग उसने कितने किल करा टाइगर ने? टाइगर ने 3 कर दिए सर। 3 कर दिए। कब हाल ही में करे, कब करे थे? अभी एक पिछले महीने को किया 26 तारीख को, उससे पिछले महीने को किया 18 तारीख को, अभी इस महीने भी किया 14 तारीख को सर। अच्छा, टाइगर था? टाइगर थी? टाइगर था। टाइगर था जी। मतलब वो अटैक करता है जी तो इंसानों पर सर? जब वो टाइगर अटैक करता है वो ये नहीं सोचता है कि ये इंसान है। अच्छा। जब वो अटैक करता है वो ये सोचता है ये जानवर है। अच्छा। आपने कभी भी सुना होगा सर, किसी को किल किया है तो कहीं दौड़ते हुए इंसान को किल नहीं किया है, या वो घास काटता हो, या गन्ना छीलता हो, या गन्ना खोदता हो, या गेहूँ काटता हो सर। अच्छा, ऐसा होता तभी वो किल करता है। अच्छा। आतंकखोर टाइगर बाहर निकल जाते हैं इसलिए क्योंकि जंगल में जो शिकार करने की उनकी क्षमता नहीं रह जाती है। अच्छा अच्छा। तभी वो बाहर निकल जाते हैं, और जंगल में जब शिकार करते हैं तब दौड़ा के करते हैं। और डियर सर बहुत ही सॉलिड होती है भागने में सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उसे दौड़ा कर शिकार करते हैं। अच्छा, भालू के लिए बताइए, जो भालू है यहाँ पर जी, वो उसका कुछ वो कुछ करता है यहाँ पर, अटैक करता है क्या इंसानों पर? नहीं करता है सर। भालू अटैक नहीं करता है। बहुत ही वैसा होता है, शर्मीला टाइप का होता है, देख कर ही भाग जाएगा सर। देख के ही भाग जाता है, देख कर ही रनिंग कर जाएगा। टर्माइट के बारे में बताइए इसमें। ये सर टर्माइट हाउस है, ये जितना ऊपर देख रहा है उतना जमीन के अंदर भी है, 6-7 फीट अंदर भी होता है, इसकी ऊंचाई भी उतनी होती है। और ये वैसे कितना पुराना हो चुका है उस टाइम? ये सर हो चुका है लगभग 1 साल का हो चुका है। 1 साल? जी बिल्कुल। 1 साल में इतना बड़ा? बिल्कुल सर। ये बनता कैसे ही है? ये सर दीमक लगती है, जो लकड़ी होती है गिर जाती है उनसे मट्टी बन जाती है, उसमें दीमक लग जाती है सर। ओके, 1 साल में इतना बड़ा तो पूरा का पूरा किला ही बना देंगे। 10-12 फीट का हो जाता सर, जितना ऊपर है उतना जमीन के अंदर भी है। इस टाइम इसके अंदर दीमक होंगी? जी बिल्कुल सर, दीमक होंगी। कॉलोनी होती है दीमक की सर इसके अंदर। ओहो जी। सर वॉच टावर है यहाँ पे, बाचर लोग हैं जो गश्त करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, वो ही रहते हैं इस पे सर। अच्छा। जैसे हमारे लिए कोई गाड़ी में कोई बना बिगड़ी हो जाए तब हम भी इस पे ऊपर रह सकते हैं सर। और चवेदी कुआं है, बेस्टी जमाने का सर, 1989 का है ये कुआं जी। अच्छा, 1989 का? जी बिल्कुल सर। ओके, बेस्टी जमाने अंग्रेज जमाने का। हर एक 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं बना होता है सर। अच्छा अच्छा। ऐसा था पहले जब अंग्रेज थे सर तो पानी की व्यवस्था हैंड पंप नहीं थे सर, अच्छा, तो कुएं थे ये सर। हम सही रेंज में जा रहे हैं सर जी। ये इसलिए ढक दिया सर, इसमें एक भालू का बच्चा गिर गया था। अच्छा अच्छा, ऐसे ढक रखा है, इसलिए इसे लकड़ी से ढक दिया सर। अब हम सर सुरई रेंज में चल रहे हैं सर। सुरई रेंज में जी, उत्तराखंड के जंगल के कनेक्ट होने। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल सर। अब आगे पड़ेगा एक भीमताल। भीमताल जी, वहाँ पे वॉच टावर, वहाँ पे पक्का बना हुआ है वॉच टावर सर। अच्छा अच्छा जी। कितने टाइम पे बंद रहता है याला? ये सर 5 महीने बंद होता है। 5 महीने बंद रहता है जी? 5 महीने कौन से बंद रहता है ये? 15 जून से बंद होता है, 15 नवंबर को ओपन होता है। 15 जून से बंद होता है, 15 नवंबर को ये ओपन हो जाता है जी सर। वो किस लिए भैया? ऐसा होता है सर, बारिश हो जाती है जून से। अच्छा अच्छा जी। और बारिश में गाड़ी का फंस जाती है, सभी कच्चे रूट हैं सर। अच्छा, इसलिए। सो गाइस, हम जो है चलते चलते धीरे धीरे टाइगर की मूवमेंट पे भी ध्यान दे रहे थे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि हमें टाइगर जो है स्पॉट हो जाए। बट इस सुंदर रास्तों पे हम, जहाँ पर जंगल इतना सुंदर लग रहा था, वहीं पर हमें एक सामने की तरफ एक मोर दिखाई दे जाता है जो कि नाच रहा होता है, और हमें देख के ही वो इधर उधर जंप करने लग जाता है। ये लग, मुझे ये नहीं पता कि वो हमें देख के कर रहा था, बट काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, और हम उसको देख के ही अपना आगे चल जाते हैं कि हमें कैसे ना कैसे करके टाइगर या फिर लेपर्ड स्पॉट हो जाए। इसको लालपुल बोलते हैं, शारदा कैनाल कहते हैं इसे। शारदा? शारदा कैनाल है ये सर। कैनाल, अच्छा जी। यहाँ पे टाइगर के अधिक चांस रहते हैं सर, पानी पीने के लिए आता है, नहाने के लिए आता है सर। अच्छा अच्छा। टाइगर जो है सर इस तरह से मार्किंग करता है, अपना एरिया इंक्लूड करता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा तो नहीं आ गया है,
अगर मतलब इतना ऊपर तक कर दिया उसने जी, अगर इससे ऊपर कोई टाइगर आएगा, अगर इससे ऊपर वो मार्किंग करेगा हाँ हाँ, तो ये टाइगर जो पहले वाला है वो एरिया छोड़ कर ये चला जाएगा। छोटा है जी, तो वो देख लेगा जी। अगर इससे ऊपर दूसरे टाइगर ने मार्किंग कर दी हाँ। तो जिस दिन छोटा रह गया वो छोड़कर ये एरिया चला जाएगा। अच्छा, फिर वही इस एरिया में रहने लगेगा। तो उनको पता लग जाता है कि भाई ये मुझसे ताकतवर है सर। उनको अपने पंजे दूसरे के पंजे पता लग जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा जी, यहाँ पे लेपर्ड भी होते हैं क्या? लेपर्ड भी है सर। ऐसा भी होता है टाइगर से जब बच्चों को जन्म देती है तो टाइगर से दूर हो जाती है, टाइगर से बच्चों को लेके वो इसलिए हो जाती है सर कि टाइगर जो है वो अपने बच्चों को ही मार देगा, खा जाएगा। अच्छा, वो इसलिए मार देगा खा जाएगा क्योंकि उसके शासन पे वो बड़े होकर राज ना करने लगे। अच्छा, मतलब टाइगर अपने बच्चों को मार देता है? मार देता है सर। जब टाइगर से बच्चों को जन्म देती है तो टाइगर से दूर हो जाती है, टाइगर से सिर्फ जन्म के टाइम पे या प्रेग्नेंट के टाइम पे भी दूर हो जाती है? जब तक वो अपने शिकार करने की क्षमता में न हो जाए। अच्छा, उसके बच्चे नहीं, पहले जैसे बच्चा ने जन्म नहीं लिया जी उससे पहले ही दूर हो जाएगी, जन्म होने के बाद दूर? जन्म होने के बाद जी। अच्छा अच्छा, जन्म होगा तब लेके चली जाएगी दूर। टाइगर जो है सेविंग बहुत ही तेजी में करता है, जानवरों में सबसे तेजी सेविंग टाइगर ही करता है सर। क्या करता है? स्विमिंग। स्विमिंग जी। अच्छा, बहुत ही तेजी से करता है। ये कैनाल है सर, 2 मिनट नहीं लगाते हैं, पूरी पार कर देगा 2 मिनट। अच्छा, मतलब बेस्ट स्विमर होता है जी सर। ये चूका बेट, चूका बीच का मेन गेट आ गया, यहाँ से चूका के लिए एंट्री होती है सर। चूका बीच का, बीच के जाने के लिए वाला गेट आता है, यहाँ से गेट एंट्री होती है सर। गेट है, ठीक है ठीक है। इसे लाल पुल बोलते हैं सर। पूरनपुर टू घटिया वाला रूट है ये, पब्लिक रूट पड़ जाता है यहाँ से, देखते हैं सर। सो गाइस, हम चूका बीच जाने के लिए हम आ चुके हैं। हम गाड़ी को बाहर लगा के थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारा चूका बीच मिल जाता है। चूका बीच के रास्ते में ही हमें कैंटीन देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम अपना रिफ्रेशमेंट करते हैं, कुछ खा पी के नाश्ता कर लेते हैं और सीधा चल देते हैं हम चूका बीच के लिए। सो गाइस, चूका बीच पर अगर आप शॉपिंग करने के लिए कुछ लेना चाहते हो यादगार के तौर पर तो आप आराम से इजीली यहाँ पे ले सकते हो। और फटाफट से निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं, गाड़ी में बैठते हैं, हमारे गाड़ी भी अभी गुस्से हो रहे हैं। सो गाइस, चूका बीच से निकलने के बाद हमारी वापस से स्टार्ट हो जाती है टाइगर को स्पॉट करने की जर्नी और जंगल को एंजॉय करने की जर्नी। साथ में हमारे गाइड साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं टाइगर को स्पॉट करने की और हम कोशिश हमारी यही है कि हम टाइगर को स्पॉट कर ही लेंगे। भैया कुछ है क्या यहाँ पे? अरे वो टाइगर है, वो बाइक करो बाइक करो, टाइगर है अरे बाइक करो ना, हाँ बाइक करो बाइक करो करो करो, वो सर वो बीच में, बीच में वो है, वो है सर। अरे वो अंदर हो गया, वो है, अरे आगे अगले बढ़ाओ ना, ज़्यादा ज़्यादा पीछे कर दिए, अगले बढ़ाओ, अगले वो है सर, वो दिख रहा है सर, वो आप लिए दिख रहा है सर, वो ग्रॉस में सर, इधर देखो इधर, वो देखो दिख रहा है सर, वाइट वाइट में दिख रहा है, इधर रोक लो बस बस बस, एक मिनट नाइस कहाँ पर है? वो है वो बीच में, अरे भाई वो रहा वो रहा वो रहा करो बस, देख दिया आपका लग हो गया सर, ये रहा कॉलिंग कर रहा है कि अलर्ट हो जाओ टाइगर है, अलर्ट हो जाओ टाइगर है। हाँ अब जी है सर, आगे थोड़ी आगे बढ़ा लो, वो दिख रहा है मुझे, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है वो ऐसे अब खड़ा है ऐसे करके। तो भाइयों देखो वो रहा सामने टाइगर हमारे, मैं आपको मार करके दिखाऊंगा। अब तुम्हें नहीं दिख रहा नरेश भाई मेरे अब ऐसा होगा, देखिए कुछ गाड़ी को दिखेगा कुछ गाड़ी को दिखाएगा, हाँ लौट के आ जाएंगे जब तक हम वापस। सो गाइस, हमने बहुत देर वेट किया कि टाइगर फ्रंट में आ जाए बट वो नहीं आया, वो काफ़ी दूर था कि जो कि मोबाइल में काफ़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हमने काफ़ी वेट करने के बाद डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से आगे मूव ऑन करते हैं, किस्मत रही तो वो रोड पर वापस हमें दिखाई दे जाएगा। सो गाइस, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टाइमिंग की बात करें तो वो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, वहीं उसका एंड 11 बजे हो जाता है और आफ्टरनून में वो ही 2 बजे स्टार्ट होती है और लगभग 5-5:30 बजे करीब उसका एंड हो जाता है। वो वाइल्ड बोअर सर, जंगली सुअर, ये छोटा बच्चा है अभी, ये है फैमिली के साथ है सर। अच्छा, बच्चे हैं अभी ये, या क्रोकोडाइल पॉइंट है ये सर, वो है क्रोकोडाइल दिख रहा है सर। ये क्या है? क्रोकोडाइल दिख रहा है वो सामने, मगरमच्छ। ओहो वो सर दिख रहा है पीछे पीछे पीछे,
क्रोकोडाइल, ये छोटा छोटा वो क्या बोलते हैं, छोटा पनकौआ है ये। हाँ हाँ, बस 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 आगे करो, थोड़ा आगे करो भी, आगे करो आगे करो। वो मगरमच्छ है ये, छोटा पनकौआ है ये, डाली पे बैठा है सर। अच्छा जी, मगरमच्छ वो आगे से उसका, मगरमच्छ वो ग्रास में, जी जी वो ग्रास में है सर, ठस के मस नहीं होंगे मगरमच्छ की तरह पड़ा रहता है जी, बिल्कुल। सो गाइस, हम सफारी करके आ चुके हैं, आपने देखा क्या हमने क्या मस्त पूरे व्यू करा, हमें टाइगर भी मिला, आपने टाइगर भी देखा होगा, और इतने अच्छे से हमें देखा यार, बहुत मज़ा आ गया। मैंने और भी सफारी करी थी बट मुझे वहाँ नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली भाई साहब, मज़ा आ गया। यहाँ पे हमें टाइगर स्पॉट हो गया और मैंने देखा भाई साहब काफ़ी बड़ा टाइगर था, और अभी भी इतनी खुशी है आपको बता नहीं सकता। फ़िलहाल अभी मैं वापस देखूँगा कि मैं कभी और कभी आ सकता हूँ, फ़िलहाल यार यही बोलूँगा कि भाई आप लोग भी आओ और सफारी को इन्जॉय करो यहाँ पे। हाँ, खासकर ये बात है, आप सिर्फ टाइगर देखने मत आना, आप यहाँ पे अदर एनिमल पूरा इतना घना जंगल देखने भी आना, जो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस लगेगा। फिलहाल अभी हम जो है यहाँ से निकलते हैं, और हाँ ज़रूर बोलूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर नए हों सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू।